तो किसान साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, जो क्रिस्टल सीड के सरपास 7007 के बारे में। इसके अलावा कपास के अंदर कब बुआई करनी चाहिए, क्या मौसम रहना चाहिए, क्या अनुकूल परिस्थितियाँ रहनी चाहिए, उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, क्रिस्टल का सरपास 7007, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो किसान का पसंदीदा बीज है वो सरपास 7007 रहता है। पिछले साल भी इस जो सरपास 7007 है, इसकी काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिली थी। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्रिस्टल जो सरपास 7007 हैं कपास का बीज, उसकी बुआई कब करनी चाहिए। कोई भी कपास का बीज हो, उसकी तो बुआई फर्स्ट ऑफ मई या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेके 1 मई से 20 मई तक कर सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर की अनुकूल परिस्थितियाँ 30 से 40 डिग्री तक रहनी चाहिए। और सरपास 7007, इसकी क्या क्या विशेषताएं, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये एक मीडियम एज का, जो मध्यम परिपक्वता अवधि का बीज होता है, जो कि करीब 150 दिन यानी 5 मंथ की वेराइटी है। और ये एक चूसक कीटों और पत्ती मोड़क के प्रति सहनशील है। तो बॉलवर्म के प्रति सहनशील है चूसक कीट और बॉलवर्म के प्रति। इसके अलावा इसकी स्टार्टिंग से ही अच्छी फुटान होती है और बढ़वार भी अच्छी होती है, पौधा स्वस्थ रहता है। और क्रिस्टल 7007 जो एक बहुत ही मार्केट में पुराना ब्रांड है, जो किसी भी वेराइटी के साथ लगाने पर इसकी पैदावार अच्छी होती है। और ये चुगई में भी बहुत ही आसान रहता है, इसके अंदर टिंडे भी बड़े होते हैं और अच्छी गुणवत्ता का रेशा प्राप्त होता है। इसके अंदर जो फैट है वो बहुत अच्छी आती है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का जो कपास होता है वो मिलता है। इस कारण इसको मार्केट में बेचने पर भी 200 से 300 रुपये पर कुंटल भाव ज़्यादा मिलता है। और इसकी पौधे की हाइट भी ज़्यादा रहती है और पौधे का कद भी समान रहता है। वर्दी और फुटान अच्छी होती है, फैलाव अच्छा होता है। और इस किस्म की पत्ती के मध्यम में रोएं लगे होते हैं। ये काली मिट्टी, मध्यम मिट्टी और रेतीली ज़मीन में भी बहुत अच्छी पैदावार देता है। और इसका रेशा लंबा और फैट बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए इसकी डिमांड रहती है बहुत ज़्यादा मार्केट में। और इसके अलावा ये चुगई में बहुत ही आसान रहता है और लास्ट तक पौधा हरा रहता है। इसके अंदर बर्निंग की समस्या भी कम आती है। तो दोस्तों, आप भी सरपास 7007 जरूर लगाएं और इसके रिव्यूज़ के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू किसान साथियों। और जो भी साथी नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।